हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल सेकेंड इन कोलकाता। जैसे आप लोगों को मालूम है, हम लोग यहाँ पे गाड़ी का सेल कैसे करते हैं, गाड़ी का एक एक गाड़ी का पकड़ के पूरा रिव्यू करते हैं गाड़ी का, उसके बाद ही एक एक करके सेल करते हैं गाड़ी इस चैनल से। और RTO के बारे में जितना भी नया इन्फॉर्मेशन निकल के आता है, वो सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने हमेशा लाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो आज बहुत दिन बाद एक एक करके तो स्टॉक हम लोग ला ही रहे हैं, लेकिन एक साथ आज एक साथ एक बार में जितना भी स्टॉक है वो आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं आप लोगों के सामने। गाड़ी जितना भी है उसमें 90% मारुति सुजुकी का ही गाड़ी है, एक स्कॉर्पियो छोड़ के बाकी सब जो गाड़ी है वो मारुति सुजुकी का है। और सब हाई डिमांडेड गाड़ी है, उसमें डीजल भी है, पेट्रोल भी है, डुओ भी है, मिक्स्ड है। जो डुओ गाड़ी है वो CNG में चलता है, ये आप लोगों को मालूम है। जो पेट्रोल गाड़ी है प्राइवेट के लिए पेट्रोल में चलता है, और बहुत लोग भाड़ा के लिए जो डीजल गाड़ी खोजते हैं उन लोग के लिए भी बहुत सारा गाड़ी है यहाँ पे। तो इसीलिए आज एक मिक्स्ड अप। और हाँ, और मारुति वैन, अभी मारुति वैन जो डिसकंटिन्यू हो गया है उसका भी बहुत डिमांड है मार्केट में। अभी कलकत्ता में उतना ज़्यादा चलता नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल में बहुत गाड़ी चलता है, बंगाल की तरफ गांव की तरफ में भाड़ा के लिए मैक्सिमम लोग चलाता है। वो भी है, वो अभी रेडी हो रहा है, वो भी दिखा देंगे आप लोगों को कैसे हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप में, खुद का वर्कशॉप में गाड़ी रेडी होता है। हम लोग का खुद का वर्कशॉप है, इसीलिए हम लोग को ये चांस मिलता है कि हम लोग यहाँ पे रख के गाड़ी पूरा रेडी करके देते हैं आप लोगों को। तो इसीलिए गाड़ी का कैसा कंडीशन में हम लोग रेडी करता है वो भी आप लोग देख सकते हैं। गाड़ी का पूरा सीट सब कुछ खुला हुआ है, ये 2009 का लाइफ टाइम टैक्स दिया हुआ गाड़ी है। अभी ये पूरा रेडी होगा, रेडी होने के बाद फिर से आप लोगों के पास एक बार गाड़ी का रिव्यू चला आएगा, जैसे एक एक करके गाड़ी आता है। तो आज उसके बाद वैन तो आपको दिखाई दिया, बोल दिया, उसके बाद जो शुरू करेंगे वो स्विफ्ट डिजायर से होगा, थोड़ा हाई प्राइस का गाड़ी होगा, 2 लाख के अराउंड का गाड़ी होगा। ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, ये हम लोग का स्टॉक का बहुत पुराना गाड़ी है। ये एक बार सेल हो गया था, लेकिन जो आदमी लिया था वो आदमी ये एक्सचेंज करके अभी हाल ही में हम लोग के पास जो स्कॉर्पियो था चॉकलेट कलर का, इससे पहले वो गाड़ी एक्सचेंज करके लिया है। तो हम लोग का पास फिर से ये गाड़ी चले आई, ये 2011 का गाड़ी है, 26 तक इसका टैक्स पे किया हुआ है। ये AC और पावर स्टीयरिंग गाड़ी है, AC एकदम बढ़िया चिल्ड कंडीशन में है। इसका अभी जो प्राइस पड़ेगा वो होगा 2 लाख 15,000 में, 11 का स्विफ्ट डिजायर डीजल वेरिएंट का गाड़ी, 26 तक टैक्स दिया हुआ, प्राइस पड़ेगा 2 लाख 15,000। और मैं हमेशा बोल देता हूँ, इसीलिए एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये सब प्राइस एकदम नेगोशिएबल नहीं है, जो होगा फिक्स प्राइस के ऊपर ही होगा। तो नेक्स्ट गाड़ी जो है वो है ऑल्टो LXi, ये 2009 का ऑल्टो LXi गाड़ी है। इसका जो टैक्स है वो 2024 तक पे किया हुआ है। इसका जो फुल रिव्यू है ये हम लोग का चैनल में मिल जाएगा, किया हुआ है ऑलरेडी। तो 2009 का LXi गाड़ी 24 तक टैक्स दिया हुआ, इसका प्राइस पड़ेगा अभी 1,05,000। 1,05,000 होने से ये गाड़ी सेल होगा। ये LXi गाड़ी है, इसमें AC और पावर स्टीयरिंग तो रहता है ही, लेकिन इसमें जो ओनर था वो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम अलग विद रिमोट फिट किया था, और फॉग लाइट उन्होंने फिट किया है, तो ये एक्स्ट्रा फिटिंग्स है गाड़ी में। ये मोस्टली ओरिजिनल पेंट का गाड़ी है, लेकिन किसी किसी जगह में टचअप डेफिनेटली है, ये 100% ओरिजिनल पेंट का नहीं है। 2009 का 24 तक टैक्स दिया हुआ LXi मॉडल का गाड़ी 1,05,000। उसके बाद जो आता है ये टॉल बॉय मॉडल का गाड़ी है, वैगन आर ब्लू आई कार। ये जो ब्लू आई देख रहे हैं आप लोग, इस वजह से इस मॉडल का नाम होता ब्लू आई। ये 2011 का गाड़ी है, दिसंबर महीने का गाड़ी है, 2011 का दिसंबर का गाड़ी है। इसका जो टैक्स है वो 2026 का दिसंबर तक आप लोगों को मिलेगा, और अगर देने की बात करें तो 2027 का जनवरी में आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वीक तक आपको 2026 का ये टैक्स मिलेगा। तो ये 2011 का दिसंबर का VXi मॉडल है, ये एकदम टॉप मॉडल नहीं है, मिड वेरिएंट मॉडल है, VXi मॉडल इसको बोलते हैं। और इसमें जो रहता है फीचर्स वो है AC, पावर स्टीयरिंग, ऑल फोर डोर पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, बैक वाइपर, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ इसमें रहता है। लेकिन ZXi में अलॉय व्हील्स भी आता है, लेकिन इसमें अलॉय व्हील्स आता नहीं था उस टाइम में। तो इसका भी जो प्राइस पड़ेगा वो होगा 2,10,000। 2,10,000 होने से
ये 2011 दिसंबर का गाड़ी 2026 का दिसंबर तक टैक्स दिया हुआ 2,210,000 होने से सेल होगा। और नेक्स्ट जो गाड़ी है ये वैगनर येलो आई बोलते हैं इसको, ये ब्लू आई है, यहाँ पे ब्लू है इसलिए, और ये येलो है इसलिए, ये येलो आई वैगनर, ये भी 12वें मॉडल का ही गाड़ी है, ये 2009 का गाड़ी है, इसका लाइफ टाइम टैक्स पे किया हुआ है तो इसका टैक्स 24 नहीं 29 तक मिलेगा आपको। ये LXI मॉडल है, उसके साथ साथ डुओ भी है, अभी डुओ का बहुत डिमांड आ रहा है क्योंकि गाड़ी में अगर CNG रहेगा तो आप लोगों को CF में 5 ईयर्स अगर हम लोग का स्टेट में स्क्रैपेज पॉलिसी चालू हो जाता है फिर भी 5 ईयर्स एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, तो इसीलिए CNG का थोड़ा डिमांड बढ़ गया ये इस रूमर की वजह से। लेकिन इसमें AC पावर स्टेयरिंग सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है ही, CNG का कनेक्शन तो ऑलरेडी फिटेड है और वो चालू भी है, और दो फॉग लाइट इसमें लगा हुआ है, LXI में आता नहीं है, VXI में आता है, LXI में फॉग लैंप रहता नहीं है, लेकिन इसमें है। 2009 का लाइफ टाइम टैक्स दिया हुआ LXI डुओ मॉडल का वैगनर ये आपको पड़ेगा 1,30,000 होने से ये गाड़ी अभी सेल होगा। आप लोगों को ये चार गाड़ी और वो वैन जो अभी मारुति में जो रेडी हो रहा है वो भी आप लोगों को दिखा दिया, अभी दो गाड़ी और स्टॉक में है वो चलिए देख लेते हैं। और जो दो गाड़ी हम ऑलरेडी मेंशन किया जो लास्ट स्टॉक में है वो दो गाड़ी का सामने अभी आ गए हम, ये जो पहला गाड़ी है ये फिर से मारुति सुजुकी, आप लोगों को जो जितना गाड़ी अब तक दिखाया सब मारुति सुजुकी का ही दिखाया, ये भी मारुति सुजुकी का है, और जो लास्ट गाड़ी होगा स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो सिर्फ महिंद्रा का होगा, बाकी स्कॉर्पियो छोड़ के सब गाड़ी मारुति सुजुकी का है। जैसे बोला कि इसमें मैक्सिमम लाइफ टाइम टैक्स या 11 का गाड़ी 26 तक टैक्स या 24 तक टैक्स आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम 26 और लाइफ टाइम ही मिलेगा, 24 तक टैक्स भी बहुत कम है, और ये गाड़ी 23 तक टैक्स है, ये एक ही गाड़ी है जो 23 तक टैक्स है वो भी दिसंबर तक, और फिर इसमें चले जाते हैं रीड्स में, ये भी 2011 का गाड़ी है, 2011 का अभी हम लोग के पास बहुत सारा गाड़ी है, तीन गाड़ी स्टॉक में 2011 का, 26 तक ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ गाड़ी है, ये भी डीजल वेरिएंट में है, ये VDI है, ये भी मिड वेरिएंट है, LDI और ZDI लो और हाई वेरिएंट में आता है, ये VDI है मिड वेरिएंट गाड़ी है, इसमें AC पावर स्टीयरिंग और 4-डोर पावर विंडो सेंट्रल लॉक म्यूजिक सिस्टम बैक वाइपर ZDI में रहता है, इसमें बैक वाइपर रहता नहीं है, सॉरी एक्सक्यूज मी, बैक वाइपर छोड़ के और अलॉय व्हील छोड़ के बाकी सब कुछ है। ये 87,000 चला हुआ गाड़ी है, इसमें कोई भी बैक कंप्रेशन नहीं है, गाड़ी जो आप लोगों को डीजल दिखाया डिजायर और रीड्स, इसमें कोई भी गाड़ी में बैक कंप्रेशन अभी तक आया नहीं है, ये अभी 2-3 लाख चलने की कैपेसिटी रखता है ये सब गाड़ी। और इस गाड़ी का जो प्राइस होगा वो होगा एकदम चीप प्राइस में होगा 1,50,000, 1,50,000 में आपको 2011 का 26 तक टैक्स दिया हुआ VDI गाड़ी मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट गाड़ी है ये स्कॉर्पियो है, देखने से आप लोगों को मालूम पड़ रहा होगा, ये स्कॉर्पियो का एकदम टॉप मॉडल का गाड़ी है, VLX गाड़ी है, इसका जो गार्ड है सामने का गार्ड है वो वहाँ पे ऑलरेडी ओपन है, ये लगाना पड़ेगा गार्ड इसका भी, और मारुति वैन जो काम हो रहा है ये दोनों का गार्ड अभी तक फिटेड नहीं है, तो ये गार्ड छोड़ के आप लोग को दिखा दे रहा है। ये 2008 का दिसंबर महीने का गाड़ी है, ये VLX मॉडल है, इसमें अलॉय व्हील तो डेफिनेटली रहता है, और ये एमहॉक इंजन का है इसीलिए VLX में 2008 से टॉकिंग निकला था, इस गाड़ी में टॉकिंग है जो आप गेट खोलने से समय वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि वो वेलकम टू स्कॉर्पियो ड्रीम व्हीकल, ये टॉकिंग 2008 से ही निकला था, ये वही मॉडल का गाड़ी है, ये CRD इंजन नहीं है, ये एम हॉक है, 2008 का दिसंबर महीने का गाड़ी है, 2023 तक टैक्स दिया हुआ गाड़ी VLX मॉडल का, ये आपको पड़ेगा 2.5 लाख होने से सेल होगा, ये जितना भी मैंने दिखाया ये ऑलमोस्ट फिक्स प्राइस के ऊपर ही दिखाया, इसके बाद नेगोशिएशन का कोई भी जगह बचता नहीं है, इसीलिए प्लीज़ फ़ोन करके या मैसेज करके रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, हम लोग मजबूर हो जाएंगे, गाड़ी सेल कर नहीं पाएंगे, अगर आपको दाम ठीक लगता है तो फिर कॉन्टेक्ट करके आ जाइए। ये कलकत्ता श्याम बाज़ार में ये स्टॉक है, दिस इज़ वेरी नियर टू द ट्रैफिक गार्ड श्याम बाज़ार,
तो दिया हुआ नंबर तो रहेगा ऑलरेडी, अगर आप लोगों को ठीक लगता है प्राइस तो आके गाड़ी देख लीजिए। इसीलिए ऐसे ही एक के बाद एक गाड़ी हम लोग के पास आ रहा है और जैसे हम लोग रिव्यू करके आप लोगों को दिखाता है वो तो दिखाते रहेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग सेकेंड इनिंग्स।